चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो एमसीसी ने पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया था और अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें कट ऑफ हाई गई है। इस बार वाले रिजल्ट में कट ऑफ हाई गई है, तो मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा मार्क्स के साथ में कि इस रिजल्ट में जो अभी आज रिजल्ट जारी किया है, इस रिजल्ट में एमसीसी के फर्स्ट राउंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है। तो इसके बाद में हम दोनों राउंड का डिफरेंस भी देखेंगे कि कितना फर्क रहा है इसमें। तो अभी जो कट ऑफ आई है यूआर कैटेगरी की 13,970 रैंक पर 612 मार्क्स पर जीएमसी नागापट्टिनम मिला है। ओबीसी कैटेगरी को 14,930 रैंक पर जिसके 610 मार्क्स है सेम कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15,662 रैंक पर जिसके 608 मार्क्स है जीएमसी नामाकाल मिला है। इसके बाद एससी कैटेगरी 78,780 रैंक जिसके मार्क्स 507 है, उसको नील ग्रीस मिला है, जीएमसी नील ग्रीस। इसके बाद एसटी कैटेगरी को 102,589 रैंक वाले कैंडिडेट जिसके 480 मार्क्स है, उसको विरुदी नगर मिला है। इसके बाद में हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो यूआर पीडब्ल्यूडी की जो रैंक है 5,37,725 रैंक पर मिला है। ओबीसी की कट ऑफ रही है पीडब्ल्यूडी की 5,63,685। इसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 6,83,127, एससी पीडब्ल्यूडी 8,95,033, एसटी पीडब्ल्यूडी 9,21,531। तो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ रही है। तो मैंने आपको अभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी है। अब मैं आपको दोनों राउंड में डिफरेंस बताता हूं यहां पर कि पिछले राउंड में कट ऑफ क्या रही थी और इस राउंड में कट ऑफ क्या रही है। तो यूआर कैटेगरी के जो पिछला राउंड हुआ था, कैंसिल हो गया था, उसमें 14,367 रैंक पर स्टूडेंट को, यानी कि जिसके मार्क्स थे 611, उसको जॉर्म मिला था। लेकिन इस बार यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 13,970 यानी 612 मार्क्स पर गई है। यानी कि जो पिछला रिजल्ट था उसमें बच्चों को काफी प्रॉफिट होना था, काफी बच्चों को ऑल इंडिया में सीट मिलनी थी, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई रही है उससे। ओबीसी कैटेगरी में जो पिछला राउंड कैंसिल हुआ था 15,452 रैंक जिसके 608 मार्क्स थे, ओबीसी की कट ऑफ हाई रही है, इसमें 14,930 पर ही मिला है अब की बार 610 जिसके मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस में भी हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पहले 16,137 जिसके 607 मार्क्स थे, अभी 15,662 जिसके 608 मार्क्स से उसको मिला है। एसटी कैटेगरी में भी उछाल देखने को मिला है, 80,256 पर पहले मिला था, अभी मिला है, वो मिला है 78,780 पर। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में भी उछाल है, 1,03,575 पर मिला था, अभी 1,02,589 मार्क्स पर मिला है। तो ये डिफरेंस रहा है, यानी कि जो पहले राउंड हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा होना था और ज्यादा सीटें मिलनी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बैलेंस हो जाएगा सेकंड राउंड में, इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, सेकेंड राउंड में आपको ये बैलेंस देखने को मिलेगा। तो बाकी एम्स और डिम्ड का भी मैं आपको कट ऑफ जल्द लेके आऊंगा आपके लिए वीडियो। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।